वहीं यात्रा के प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम में यात्रा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाम में रात भर फंसे रहे। क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से पुलिस प्रशासन भी परेशान हो गया। पुलिस अधीक्षक ने रविवार को यमुनोत्री धाम की यात्रा की योजना बना रहे श्रद्धालुओं से फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की। आपको बता दें कि शनिवार को तीर्थ यात्री अलग अलग स्थानों पर भारी जाम में फंसे रहे। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने आधी रात सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक की कमान संभाली। एसपी यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास जाम क्लियर करवाकर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद में लगे रहे। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि दो तीन दिनों के को देखते हुए जो भारी भीड़, जो बहुत ही भारी भीड़ आ रही है नीचे से यमुनोत्री धाम को, उसको देखते हुए कल शाम को कुछ थोड़ा जाम लगा हुआ था राना चट्टी और साना चट्टी में, इसको आज रात भर पूरे पुलिस ने क्लियर कर दिया गया है। और अभी जो है ट्रैफिक जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। परंतु यमुनोत्री धाम की जो ऑलरेडी वहाँ पे 8 से 9 हज़ार यात्री ऑलरेडी पहुँच चुका है, आज मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़कर देने में निवेदन है कि जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें और अपने सुरक्षित बने रहें। अपने अपने जहाँ भी पड़ाव पे हैं या फिर अपनी यात्रा को आज गंगोत्री की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आज यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से पैक हो चुका है और जो है ऊपर किसी भी तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से एक और बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज यात्रा अपनी स्थगित रखें। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हमारा जो एक ध्येय है कि भाई जो यात्रा है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं।